पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉसेक क्या है और दूसरा क्वेश्चन है कि फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मतलब होता है पूरा करना। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉसेक क्या है, फिर हम देखेंगे कि फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है। फॉसेक का मतलब होता है छोड़ देना या किसी रिश्ते को खत्म कर लेना। जैसे अक्सर आप किसी से कहे होंगे, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं तुमसे कभी रिश्ता खत्म नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप फॉसेक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, यानी अगर आपको कहना हो कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा या मैं तुमसे कभी रिश्ता खत्म नहीं करूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल नेवर फॉसेक यू, यानी मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा या तुमसे रिश्ता कभी खत्म नहीं करूंगा। अगर आपको कहना हो वह एक फ्रॉड है, वह तुमको छोड़ सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज अ फ्रॉड, ही कैन फॉरसेक यू, यानी वह एक फ्रॉड है, वह तुमको छोड़ सकता है। अगर आपको कहना हो वह कई लड़कियों को छोड़ चुका है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज फॉरसेकन मेनी गर्ल्स, यानी वह कई लड़कियों को छोड़ चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने फॉरसेक का मतलब समझा, कि फॉरसेक का मतलब होता है किसी को छोड़ देना या किसी से रिश्ता खत्म कर लेना। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि फिनिश का दो मतलब होता है, एक पूरा करना और दूसरा खत्म करना, जबकि कंप्लीट का सिर्फ एक मीनिंग होता है, जो है पूरा करना। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। जब बात पूरा करने की हो, यानी किसी काम को पूरा करना हो, तो वहाँ पर आप कंप्लीट और फिनिश दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कहना हो कि अपने लंच को पूरा करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कंप्लीट योर लंच। आप ये भी कह सकते हैं फिनिश योर लंच। अगर आपको कहना हो कि अपना होमवर्क पूरा करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कंप्लीट योर होमवर्क या फिनिश योर होमवर्क। तो फ्रेंड्स, जब बात पूरा करने की हो, तो आप फिनिश या कंप्लीट दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बात खत्म करने की हो, तो वहां पर आप कंप्लीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहां पर आप वर्ड फिनिश का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं अपनी मुसीबत को खत्म कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I finished my problem, यानी मैंने अपनी मुसीबत को खत्म कर दिया, वो अपने विरोधी को खत्म कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He finished his opponent. Opponent का मतलब होता है विरोधी, यानी वो लोग जो आपके खिलाफ काम करते हैं या आपके विरोध में काम करते हैं। लगता है आप अभी भी कंफ्यूज हैं। आइए एक ऐसा एग्जांपल देखें, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। When you marry the right woman, you are complete. But when you marry the wrong woman, you are finished. यानी जब आप किसी सही लड़की से शादी करते हैं, तो आपकी लाइफ पूरी हो जाती है, लेकिन अगर आप किसी गलत लड़की से शादी करते हैं, तो आपकी लाइफ खत्म हो जाती है या फिनिश हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने यह सीखा कि फॉरसेक, फिनिश और कंप्लीट को कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये एग्जांपल्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।